नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं देश विदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवाना ट्रंप का गुरुवार को न्यूयॉर्क शहर में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अपने पद से गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे की जानकारी उन्होंने संसदीय अध्यक्ष को मेल करके दी। गोटाबाया राजपक्षे आर्थिक संकट और विरोध प्रदर्शन के बीच बुधवार को श्रीलंका से भाग गए थे। वे पहले मालदीव पहुंचे, इसके बाद गुरुवार को वो सिंगापुर पहुंचे हैं। सिंगापुर पहुंचते ही गोटाबाया राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है। मुख्यमंत्री पी विजयन ने गुरुवार को कहा कि केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा होगी। साल 1985 के कनिष्क बम विस्फोट मामले में बरी बिजनेसमैन और पंजाबी मूल के कनाडाई सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक की गुरुवार सुबह कनाडा के सरे इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या उस समय हुई जब वो अपनी कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में बाइक सवार युवकों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में बोरिस जॉनसन की जगह लेने के दौड़ में अपनी पकड़ और मजबूत बना ली है। सुनक ने दूसरे चरण के मतदान में 101 वोटों के साथ अव्वल रहे। उनके साथ चार और उम्मीदवार पीएम पद की रेस में हैं। कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को एक बैठक में केंद्र सरकार के खिलाफ 21 जुलाई को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी 21 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने वाली है, जिसके विरोध में कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का सेशंस कोर्ट आज फैक्ट चेक से जुड़ी वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबेर द्वारा दिल्ली में दर्ज एफआईआर के मामले में दायर जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा। एडिशनल सेशंस जज देवेंद्र कुमार जांगला ने 14 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। राजधानी दिल्ली में गुरुवार शाम हुई तेज बारिश के बाद एमबी रोड ओखला मोड़ पर जलभराव हो गया है। इसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार दोपहर बाद राजधानी दिल्ली में तेज हवा के साथ बारिश हुई थी। दिल्ली के प्रमुख सड़कों में से एक एमबी रोड पर बारिश के कारण 2 से 3 फीट के करीब जलभराव हो गया है, जिसके कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देश विदेश की मुख्य खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।